हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? तो क्या आज तक आप अपने आप को ये तीन क्वेश्चंस पूछते थे? अगर इसका आंसर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपने कभी सोचा कि एक फ़ोन में डुअल डिस्प्ले हो सकता है, एक फ्रंट साइड में और एक रियर साइड में? दूसरा सवाल, क्या आपने कभी सोचा कि आप रियर कैमरा से सेल्फी ले सकते हैं, रियर कैमरा से आप फ्रंट वीडियो कॉल कर सकते हैं? क्या आपने सोचा ये? अगर ये है तो ये वीडियो आपके लिए है। और आखिर में, क्या आपने सोचा कि आपके फेस के सामने एक फ़ोन को ऐसे सिंपली मूव करते हुए आप अपने फेस के एक 3D मॉडल बना पाएंगे? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। हाँ दोस्तों, इस फोन में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस फोन के रिव्यू में इन तीनों सवाल का आंसर आपको मिलने वाला है, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीवो ला रहा है वीवो नेक्स 2, जो कि एक सक्सेसर है वीवो नेक्स एस, जो हमारे सामने लाया था पॉपअप कैमरा। पहली बार निकल के आता है फ्रंट फेसिंग कैमरा, तो इसको देखकर सभी फोन्स फॉलो कर चुके हैं। लेकिन इस फोन में अब पॉपअप कैमरा नहीं है और फ्रंट साइड पे कोई सेल्फी कैमरा ही नहीं है, क्योंकि इस ये फोन है सिमिलर टू नूबिया एक्स। जो फोन आया था उस फोन से बहुत सिमिलरिटी है इस फोन की, क्योंकि ये फोन फीचर कर रहा है आपका डुअल डिस्प्ले। फ्रंट साइड में आपका एक डिस्प्ले होगा, रियर साइड में आपका एक डिस्प्ले होगा। अब रियर साइड के डिस्प्ले क्यों दिया गया है? दोस्तों, इसके बहुत सारे वजह हैं। पहली वजह यह है कि फ्रंट साइड में अगर हम देते हैं तो कोई हमें नॉच इंक्लूड करना पड़ता है, फिर हमें थोड़ा थिक बेजल्स भी इंक्लूड करना पड़ता है। और अगर हम इस डिस्प्ले को एक रियर डिस्प्ले बना देते हैं, एक रियर डिस्प्ले इंक्लूड कर देते हैं, तो कोई नॉच का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जो नॉच में जो हमारा फ्रंट कैमरा होता है उसका काम हमारा रियर कैमरा कर देगा। देखिए किस तरीके से आप सिंपली अपने फ़ोन को फ्लिप करके अपने रियर कैमरा से साथ अच्छे रेजोल्यूशन, अच्छे क्वालिटी के साथ बहुत अच्छी सेल्फीज ले सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस फोन में है दोस्तों एक 8GB एक लूनर लाइट, जो आपके रियर साइड में ट्रिपल कैमरा के साइड में एक गोल्ड कलर का एक लाइट दिया गया है। अब ये एक नोटिफिकेशन लाइट भी हो सकता है, अब ये एक फोन को ब्यूटीफाई करने के लिए भी लाइट हो सकता है, तो इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों, इस फोन पे आपको कोई नॉच या बेजल नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ आपको कोई फ्रंट फेसिंग कैमरा दिखने को नहीं मिलेगा। ये फोन में आ रहा है और एक फीचर जो है टाइम फ्लाइट स्कैनर, ये एक कैमरा का फीचर है। अब ये फीचर किस वजह से है? देखिए, ये फीचर क्या करता है, आपका जो फेस है, फेस का अगर आप फेस आईडी अनलॉक देंगे या फिर फेस आपका स्कैन करेंगे, तो उसका एक 3D इमेज बन जाएगा फोन में, जो आज तक किसी थोड़ी थोड़ी एक्सपेरिमेंट्स में हुआ था, लेकिन पहली बार एक फोन में आ रहा है। तो आपका एक 3D इमेज, बहुत सुंदर सा एक 3D इमेज क्रिएट कर देगा। इसके साथ साथ अपने आप को आप ड्रेस पहना सकते हैं, नए नए कपड़े पहना सकते हैं फोटोज़ में, फिर दूसरे सभी सराउंडिंग्स को ये डिटेक्ट करके और इम्प्रूव कर देगा। मतलब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजी इंक्लूड की गई है इस टाइम स्कैनर फ्लाइट कैमरा में। दोस्तों, अब फिलहाल इसका जो रिलीज डेट है वो तो रखा गया है दिसंबर में, लेकिन इस फोन के आने से पहले ही बहुत हाइप है मार्केट में। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी तरह या मेरी तरह के आप भी इस फोन की रिलीज डेट का इंतजार कर रहे हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक दिस स्मैश बटन को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत ही एक इनोवेटिव फोन आने वाला है। और जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को।